दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर से श्री राम कथा अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत सर्व आशुतोष महाराज की शिष्या महामनस्विनी साध्वी जयंती भारती ने दो वरदान प्रसंग के माध्यम से बताया कि किस प्रकार श्री राम को सबसे अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी मंथरा के विचारों में फंस कर महाराज दशरथ से श्री राम के लिए वन एवं भरत के लिए राज्य की मांग करती है और महाराज दशरथ को ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर भेजना पड़ा। इस मौके पर पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहिंदर सिंह केपी, आप महिला प्रदेश अध्यक्ष राजविंदर कौर, भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहिंदर भगत, अमित सहगल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान दिनेश शर्मा, प्रभात चंद शर्मा, जतेंद्र शर्मा, विकास बग्गा, पूर्व पार्षद ओंकार राजीव, दीपक कौशल, रमेश अवस्थी, हरिंदर शर्मा, अशोक भारद्वाज, संजीव सोढ़ी, परम लखनपाल, पूर्व पार्षद राजीव ओंकार टिक्का, यशपाल ठाकरे, सुरेंद्र कुमार, विजय कुमार गिल, मनदीप बख्शी, पाल सिंह नोली सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। बनाते जा रही है और देखते देखते सुरसा ने सुयोजन का मुख खोल लिया।
किया और हनुमान जी जैसे ही देखा कि 100 योजन का मुख खुला हुआ है, हनुमान जी झट से लघु से अति लघु छोटा सा रूप बनाते हैं और सुरसर के मुख में जाते हैं और पुनः वापस लौट आते हैं। जागृति संस्थान वालों जो मॉडल हाउस के राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर की सारी प्रबंधक कमेटी वालों अज इत्थे आ के बहुत ही आनंद आया है और देख के बड़ा मन प्रसन्न होया है कि इतनी भारी संख्या के सारिया ही संगत आ के परमात्मा राम दे जो गुणगान सुन रहे हैं। इत्थे इसलिए जिंदगी यह ही मकसद है कि जो भी सानू परमात्मा का नाम कोई राम कथा महाभारत कथा भगवान कृष्ण की कथा सुनने मिलती है सो जीवन सफल होता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मॉडल हाउस की तरफ से दशहरा ग्राउंड में बहुत ही सुंदर श्री राम कथा का आयोजन 4 तारीख मंगलवार से चल रहा है। कथा की पूर्व संध्या पर एक बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कथा का आयोजन है। आज कथा का आखिरी दिन है। लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये जो दशहरा ग्राउंड है सचमुच में ही अयोध्या नगरी बन गई है। इतने आनंद से लोग कथा सुन रहे हैं, जो साध्वी बहनें कथा कर रही हैं उनको भी सच में आशुतोष महाराज जी का अपार कृपा है, उनके आशीर्वाद से अपनी वाणी से बहुत ही सुंदर कथा कर रही है। हम मॉडल हाउस निवासियों की तरफ से, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से दिव्य ज्योति जागरण संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सुंदर आयोजन यहाँ मॉडल हाउस में किया। धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पर जलंधर के अंदर ही लक्ष्मी नारायण मंदिर और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हुआ है और जिसका आज 5वां दिन है। वैसे तो समाज में श्री राम कथाएं लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, टीवी सीरियल्स के माध्यम से लोग बहुत देखते भी हैं और राम के चरित्र के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में इन राम कथाओं को सुनने का, पढ़ने का और टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखने का फ़ायदा वास्तव में इंसान को तभी होता है जब श्री राम का जो चरित्र वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उनके जीवन में, उनके आचरण में आ जाए। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके हेड एंड फाउंडर परम पूजनीय सदगुरु आशुतोष महाराज जी हैं, उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि वास्तव में इंसान के अंदर देवत्व को स्थापित किया जाए, वास्तव में इंसान को राम के चरित्र को जनाकर राम के मार्ग पर चलाते हुए वास्तव में मर्यादित जीवन जीने की जो सीख है वो गुरुदेव इस समाज के अंदर देने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल आप देखो, जैसे किसी छोटे बच्चे को आप कोई विचार दें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, बेटे झूठ नहीं बोलना है, बड़ों की इज्जत करनी है, लेकिन वो विचार इंसान के जीवन में कब तक रहते हैं? थोड़ी देर के लिए सुनता है, उसे अच्छा लगता है, क्लैपिंग भी कर देते हैं लोग, ताली भी बजा देते हैं, खुश भी हो जाते कि नहीं बहुत अच्छा कहा, लेकिन उसे हम ग्रहण कितना कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसे ग्रहण करने के लिए, इन विचारों को ग्रहण करने के लिए, राम के चरित्र को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले इंसान को राम को जानना होगा, राम को देखना होगा।